आज हम इस वीडियो में एक मिनी आरओ प्लांट कैसे काम करता है पूरा समझने वाले हैं और इसके हर एक पार्ट्स के कॉन्फ़िगरेशन एवं कौन से कंपोनेंट कहां कहां पे लगते हैं तो इस वीडियो में पूरा बारीकी से जानेंगे और हर एक सिस्टम को मैं बारीकी से दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितनी देर में पूरा स्टार्ट हो पाती है। तो ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये कुछ देर में सारे मोटर ऑन हो जाएंगे और फिल्टराइजेशन पूरा ऑन हो जाएगा। ये जो सामने दिख रही है ये आरओ प्यूरीफायर का पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले इसमें रॉ वाटर इस टंकी में आती है। ये जो सामने टंकी दिख रही है, रॉ वाटर बोले तो गंदा पानी, तो ये टंकी में पानी, इसके बाद ये मिनी पंप में जाती है। मिनी पंप से पानी पंप होके सबसे पहला फिल्टर में जाती है, जो कि ये एक सेडिमेंटल फिल्टर है। ये जो ब्लू कलर की हल्का दिख रही है ये सेडिमेंटल फिल्टर है। ये इसमें बालू कंकड़ बोले तो ये छान के बाहर निकाल देती है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला फिल्टर है ये माइक्रोन फिल्टर में जाती है। माइक्रोन फिल्टर में और उससे छोटे छोटे पार्टिकल है वो फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद ये हाई प्रेशर पंप में जाती है। हाई प्रेशर पंप के बाद ये जो तीसरा जो फिल्टर है लगा हुआ, ये लंबा करके, ये परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल सॉरी, उसके बाद ये कार्बन फिल्टर है। इसमें पानी फिल्टर होके फिर ये बाहर टंकी में निकल जाती है, जो पीने लायक होती है। आप इस कंस्ट्रक्शन को इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जो पानी है रॉ वाटर बोले तो गंदा पानी, ये रॉ वाटर टैंक से रॉ वाटर पंप में गई। उसके बाद ये सेडिमेंटल फिल्टर में गई। सेडिमेंटल फिल्टर में जाने के बाद ये माइक्रोन फिल्टर में गई। सेडिमेंटल फिल्टर में जो पहला स्टेज है वो जो बड़े बड़े बालू कटर है वो हट जाते हैं। उसके बाद माइक्रोन फिल्टर में गई। माइक्रोन फिल्टर में बोले तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे डस्ट टाइप का कोई पार्टिकल है, वो इसको छाड़ देती है। उसके बाद ये हाई प्रेशर पंप में गई। हाई प्रेशर पंप उसको प्रेशर करता है। ये अलग तरह की पंप होती है, नॉर्मल पंप नहीं होती है। हाई प्रेशर पंप जाने के बाद ये लास्ट स्टेज कार्बन फिल्टर में गई। कार्बन फिल्टर में जो भी बैक्टीरिया टाइप के भी जो भी छोटे छोटे जीवाणु है वो उसको मार देती है। और तो ये जो कार्बन फिल्टर है इसमें तीन वाल्व भी होते हैं। एक इसमें जो वेस्टेज पानी होता है, जो फालतू का वेस्टेज पानी होता है, वो बाहर निकालती है। तो ये कार्बन फिल्टर होके थ्रू हमारे जो पानी है वो ट्रीटेड वाटर हो जाता है, यानी पीने लायक पानी हो जाता है। तो इस तरह से ये आरओ प्लांट जो मिनी आरओ प्लांट है वो वर्क करता है। तो हम चलिए इस वीडियो में बारीकी से हर एक सिस्टम को देखते हैं फिर से एक बार। और सबसे पहले जो रॉ वाटर है इस टैंक में कलेक्ट होता है, बोले तो गंदा पानी। इस टैंक में कलेक्ट होने के बाद नीचे के पाइप से ये प्राइमरी जो पंप है उसमें चला जाता है। ये सिंगल फेज का पंप है। ये पंप जो पानी है उसको पंप करके ऊपर भेज देता है। और ये इसमें एक प्रेशर गॉच लगा हुआ है, जो कि प्रेशर भी मेजर करता है कि पंप से कितना प्रेशर PSI में पानी आ रहा है। उसके बाद ये पहला सेडिमेंटल फिल्टर में इस पानी को भेज देता है। तो सेडिमेंटल फिल्टर में बेसिकली जो बड़े बड़े बालू पत्थर है उसको ये फिल्टर कर देता है। तो ये फिल्टर करने के बाद इसके सेकेंडरी जो साइड है उसके थ्रू ये माइक्रोन फिल्टर में इस पानी को भेज देता है। माइक्रोन फिल्टर में बोले तो जो छोटे छोटे डस्ट टाइप के पार्टिकल है वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है। जब ये पानी फिल्टर होके माइक्रोन फिल्टर से निकलता है तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगा तब तक जो सेकेंडरी साइड पे जो पंप लगा हुआ हाई प्रेशर वो ऑन नहीं होगा, नहीं तो जल जाएंगे। तो जब ये पानी यहाँ पे आ जाता है तो ये स्विच ऑन हो जाता है और फिर ये जो हाई प्रेशर पंप है वो एक्टिवेट होके ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर भेज देता है इस पानी को। यहाँ पर एक बाईपास सिस्टम भी लगा हुआ है और ये बाहर निकालने का भी ये सिस्टम दिया गया है। तो ये बाहर का बाईपास सिस्टम लगा हुआ है, अगर पंप काम नहीं करता बाईपास भी यहाँ से कर सकते हैं अगर पानी यहीं से लेना है तो। तो ये हाई प्रेशर पंप हो गया। हाई प्रेशर पंप यहाँ से पानी हाई प्रेशर में पंप कर देता है। और ये जो लास्ट का जो फिल्टर है, ये जो पाइप देख रहे हैं ये यहाँ से प्रेशर मेजर करने के लिए ये जो लगा हुआ है ये छोटा सा ये दिया गया है, ये जो काला वाला वायर है, तो ये प्रेशर भी मेजर करता रहता है कि जो सेकेंडरी साइड के जो हाई प्रेशर पंप है वो। इसके बाद ये हाई प्रेशर पंप लास्ट के जो स्टेज है कार्बन फिल्टर उसमें भेज देता है। तो ये देखिए ये कार्बन फिल्टर है, इसमें तीन वाल्वें लगी होती है। ये कार्बन फिल्टर में इनलेट हुआ। इनलेट होने के बाद ये क्या करता है, वेस्टेज पानी है उसको बाहर निकाल देता है। तो उधर से ये देखिए, ये जो इधर से मैं दिखाता हूँ, इधर से देखिए ये पानी गया और ये पानी क्या किया कि यहाँ से ये जो पानी है ये बाहर निकाल देता है, जो वेस्टेज पानी है इसके थ्रू। ये देखिए यहाँ पर आया पानी और फिर इसके थ्रू यहाँ से ये बाहर निकाल देता है पानी।
तो ये पानी यहाँ से ये बाहर चला जाता है, और जो यूजफुल पानी है वो देखिए यहीं से, यहाँ से यूजफुल पानी आ रहा है, और यहाँ से यहाँ पे यूजफुल पानी गया ये, और उसका ये जो यूजफुल पानी यहाँ से पंप होके, ये देखिए TDS मीटर लगा हुआ है, यहाँ से पंप होके फिर ये कलेक्ट हो जाता है, ये जो हमारा दूसरा टैंक है वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाता है, और ये पानी आप पी सकते हैं। तो ये देखिए कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे पानी धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे ये पानी कलेक्ट हो जाता है और आप इसे पी सकते हैं। तो ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम बंद करने के लिए, जब ये टैंक फुल हो जाता है तो ये ऊपर आ जाता है ये पूरा सिस्टम। तो ये दोनों पैरेलल में जब आते रहते हैं तो ये सिग्नल भेज देता है कि ये पंप को बंद कर दे, क्योंकि पानी पूरा फुल हो गया है, तो ये पूरा जो फिल्ट्रेशन है वो बंद कर देगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये TDS मीटर है, बेसिकली ये मेजर भी करता है TDS को, कितना TDS पे रखना है, और ये प्रेशर मेंटेन करता रहता है यहाँ पे, ये जो आ रहा है कार्बन फिल्टर का, इससे ये जो सेकेंडरी साइड का ये प्रेशर भी मेजर करते रहता है। मैं एक लास्ट में एक चीज़ बताना भूल गया था, सेडिमेंटल फिल्टर से भी एक एग्जॉस्ट वाल निकलती है, जो कि ये जो बड़े बड़े पार्टिकल जो निकलते हैं कंकड़ वगैरह, वो इस वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो अब एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।